अतीक अशरफ हत्याकांड पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान आ चुका है। अतीक को सताए हुए परिवारों की बद्दुआ लगी है। जनता को सताया और जमीनों पर कब्जा कर लिया। ईश्वर ने अपना निर्णय दिया, यही कह सकते हैं। क्या कुछ कहा, ये सुनाते आप। मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से इन्होंने सताया और ज़मीनों पर कब्जे किए और तमाम लोगों को जो है इन्होंने दुनिया से विदा कर दिया, उनके परिवार, उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी और भाई, सभी की बद्दुआएं लगी और ईश्वर ने उसका निर्णय दिया है, यही कह सकता हूं मैं। और नावेद सिद्दीकी हमारे साथ बने हुए। नावेद जी, सुना आपने धर्मवीर प्रजापति को, वो कह रहे हैं कि जो सताए हुए पीड़ित थे उनकी बद्दुआ लगी अतीक को, आपकी प्रतिक्रिया? और साथ में ये भी बताइए, जो स्टोरी आप बता रहे थे, गब्बर कौन है? जी हाँ, गब्बर सिंह की बात तो अधूरी रह गई बीच में। देखिए, उसमें भी दो लोगों को ढूंढने वो निकले थे और तीन लोग थे, तो वो खाली लौट आए थे, तो उससे जब गब्बर सिंह ने कहा, उनको सजा दी। अब ये तीन डर गए कि अब हमारा क्या होगा, इसलिए इन्होंने इसको अंजाम दे दिया कि हमारा सरदार उस बार खुश नहीं हुआ था, इस बार तो खुश हो। लेकिन सरदार कौन है ये जांच का विषय है, इसमें कोई कह नहीं सकता, इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब सजा सुना दी, न्यायालय जब सजा सुना रहा है, न्यायपालिकाएं जब सजा सुना रही, तो उसके बाद इतनी लंबी कहानी सुना रहे हैं नावेद जी, फिल्मी कहानी भी आपने इसमें ऐड कर दी, तो ये बताने की भी जहमत करेंगे कि अतीक अहमद बना कैसे, उसके पीछे कौन सी पार्टी थी या कौन सी पार्टियां थी? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत से दल में हैं। अभी मैं, मेरे पास लिस्ट रखी है, आपके शो का वक्त शायद कम होगा, लिस्ट में नाम ज्यादा है। अभी आप कहानी की बात कर रहे थे, ये तो साक्षात्कार देखिए शोले, अभी मैंने सुना विपिन चौबे जो बता रहे थे कि जो मारने वाला था उसका नाम कालिया था। अरे तो गब्बर सिंह के भी एक आदमी का शूटर का नाम कालिया था उसमें, अगर आपने देखी। अब आप ये जो उधेड़बुन में, नहीं नहीं नावेद साहब, आप जो उधेड़बुन में लगे हैं, सवाल ये है कि जैसा कि समीर जी ने पूछा कि इससे पहले मुलायम सिंह यादव के साथ भी करीबी रिश्ते रहे अतीक अहमद के, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी